नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जिस प्रकार से अभी थोड़े दिनों पहले मैंने बताया था कि रिश्ते नाते सब झूठे हो जाएंगे, सभी लोग एक दूसरे को धोखा देना स्टार्ट कर देंगे, तो जो ये चौथा चरण युग परिवर्तन का स्टार्ट हुआ है, इस परिवर्तन के दौर में ये आम बात हो चुकी है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे को धोखा देता चला जा रहा है। और आज इसी बात को पूर्ण विस्तार रूप से क्या लिखा गया है भविष्य मालिका में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। कहा जा रहा है कि जब इंसान की इंसानियत शून्य हो जाएगी, तो उस समय एक दूसरे के बीच में प्रेम का मोह खत्म हो जाएगा, और जब प्रेम का मोह खत्म हो जाएगा तो रिश्तों की अहमियत शून्य हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी लाइन जो भविष्य मालिका में लिखी गई, इस लाइन के अंदर गुरु अच्युतानंद जी ने आज से 600 साल पहले बहुत बड़ी बातें छुपा के रखी है। इन्होंने ये दर्शा दिया कि आने वाले टाइम में रिश्ते और नाते केवल और केवल नाम के रह जाएंगे, और ये हकीकत की बात है। आज की डेट में धन संपदा जमीन और इस और मतलब जो इस लोक की मायावी चीज़ें हैं, उनके प्रति लोगों का मोह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वह सभी रिश्ते नातों को शून्य कर तो चुका है, और धर्म अधर्म न्याय को पालन ना करते हुए अधर्म के रास्ते पर अन्याय के रास्ते पर चलता जा रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले प्राचीन काल से तीनों युगों में चलता हुआ आ रहा है। और इसके अंदर जब श्री कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ था, तो श्री कृष्ण आप देखिए कंस उनके मामा लगते थे। महाभारत काल में भी ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, और जब आपको पता था कि दोनों समय में भाई भाई के सामने युद्ध करने लग गया था, और युद्ध के लिए अग्रसर हो गया था और खड़ा हो गया था। आप ये देखिए कि जब एक नए परिवर्तन का दौर शुरू होता है, तो भविष्य मालिका की लिखी गई बातें 100% सत्य होती हुई नज़र आ रही हैं। और इस परिवर्तन के दौर के अंदर सारे रिश्तों की अहमियत शून्य हो जाती है, और कलयुग में आज के समय में वही होता जा रहा है। एक भाई एक दूसरे भाई के सामने खड़ा हो गया है, एक पिता एक बेटे के आगे खड़ा हो गया है, और आज की डेट में इंसान इस दुविधा के अंदर, इस माया के जाल में फंसा हुआ है कि वो चारों ओर जो ये माया का जाल चल रहा है उससे निकल नहीं पा रहा है। अब इस बात को गहराई को समझिए, ये गहराई की बात जो भविष्य मालिका में लिखी गई। अब इसके बाद में गुरु अच्युतानंद जी ने ये कहा है कि मनुष्य जब अपनी अहमियत को छोड़ देगा, तो वो एक ऐसे दैत्य के अधीन हो जाएगा कि जिसमें उसको ये बोध खत्म हो जाएगा कि कौन ईश्वर है, कौन साधु है, कौन संत है। वो केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच और दैत्यों की पूजा करने लग जाएगा, और आने वाले समय के अंदर उसको उस माया जाल से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा, और चारों ओर बड़ा परले का रूप धारण किया जाएगा। तो ये जो परिवर्तन के दौर में मनुष्य आप देखिए टूने टोटके एक दूसरे के ऊपर कुछ पाने की लालसा को रखते हुए काले जादू का प्रयोग, किसी प्रकार की ऐसी काली शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं कि जो आज के टाइम में एक सत्य और एक प्रभु की भक्ति से हटकर एक ऐसा मार्ग और एक ऐसा रास्ता है जो थोड़े दिनों का सुख तो प्रदान कर देता है, लेकिन उसके बाद में जो दुख मिलता है, जो कष्ट मिलता है, वो पूरे के पूरे खानदान ख़त्म कर देता है, पूरे के पूरे परिवार ख़त्म कर देता है। और इससे बचने का, इस स्थिति से बचने का कोई मार्ग नहीं रहता। जो मनुष्य अपनी लालसाओं की पूर्ति करने के लिए ये थोड़े समय का सुख किसी अनैतिक चीज़ों के द्वारा अपने जीवन में लेके आता है, लेकिन जो कर्म के देवता हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो प्रभु इस सृष्टि का निर्माण कार्य चला रहे हैं, वो भी इस बात को देख रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं, तो वो जब उस चीज़ों को वापिस लेते हैं तो बहुत ही खतरनाक रूप दिखाते हैं, और उसमें वंश चलाने वाला भी नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है अच्युतानंद जी ने, क्योंकि आज के समय में ये सारी बातें सच होती हुई नज़र आ रही हैं।
और जो कहा जा रहा है कि कठिनाइयां एक ऐसा रूप ले लेंगी कि जो बड़े पहाड़ के समान दिखाई देंगी, और चारों ओर जो जल ही जल होगा तो जीव जंतु उस जगह पर आके रहने लग जाएंगे जिस जगह पे कभी मानव का इतिहास हुआ करता था। अब इन्होंने मानव का इतिहास एक दो शब्दों का प्रयोग किया है, तो आप देखें मानव अभी इतिहास बना नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बात दर्शा दी है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जब चारों ओर जल ही जल होगा तो वहाँ पे मानव इतिहास में बदल जाएगा और जीव जंतु उस मानव की जगह पे आने के रहने लग जाएंगे। और ये घटनाक्रम कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत जल्दी ही निकल के सामने आने वाला है, बहुत जल्दी इस नई रूपरेखा को अंजाम मिलने वाला है। इस युग परिवर्तन के समय में हिंसा, अन्याय, पाप ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे, और जब पाप का घड़ा भरेगा और वो फूटेगा तो उसके बाद में इन पापी लोगों को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और ये बात आप समझिए कि पिछले तीन युगों का जो कालखंड है वो ये दर्शाता आ रहा है कि जब कंस ने पाप बढ़ाया था तो श्री कृष्ण को उसका अंत करने के लिए सामने आना पड़ा था, जबकि श्री कृष्ण का जन्म बहुत पहले हो चुका था, वो लीलाएं बहुत पहले खेल रहे थे और उनकी छुपी हुई लीलाओं के अंदर सारे राक्षसों का विनाश हो रहा था। और यही काम श्री राम के समय में हुआ था, जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने सबसे पहले आप देखिए ताड़का का वध किया, उसके बाद में सारे राक्षसों का एक एक करके वध किया और सबसे अंत में रावण का वध किया था। और यही परिस्थितियां जो कलयुग के अंदर आ रही हैं, क्योंकि कली पुरुष को भौतिक रूप नहीं मिला है लेकिन उसकी शक्तियां भौतिक रूप से भी ज़्यादा खतरनाक शक्तियां हैं, क्योंकि जब उसने अमृत पान करके दोबारे से भौतिक रूप के अंदर कली पुरुष आ गया था तो वो मानव के ऊपर अपना प्रकोप दिखाने योग्य हो गया था, मानव के ऊपर अपना माया जाल फंसाने वाला हो गया था। और आप ये बात जानेंगे कि आज के समय में मनुष्य जब करता है कुछ भी कार्य कर देता है तो जब गलत कार्य कोई होता है तो उसके बाद में मंजिल बहुत दूर होती चली जाती है और उसको पछतावे के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता, और ये वही पछतावा होता है जो आने वाले भविष्य की रूप रेखा को निर्धारित करता है, क्योंकि कर्म तो वो ऑलरेडी करके आ चुका है, अब तो फल मिलने का समय आ गया है। तो दोस्तों आज की इस भविष्यवाणी से आपको क्या जानकारी मिली, और ये बात ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कमेंट में, और अगर सभी को इससे मिली जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो तो कमेंट के अंदर जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा जो आपके मन में आए वो लिखिएगा, क्योंकि ऐसी प्रिडिक्शंस मैं आपके पास में लेके आता रहूँगा आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के ऊपर। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई प्रिडिक्शंस के साथ में।